नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, तारीख पे तारीख अभी यही दौर चल रहा है, केवल भारत में ही नहीं पूरे संसार में। आज वैसे नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा को जारी रखा है और जैसे पहले था वैसे ही 3 मई तक रहेगा, ऐसी बातें उन्होंने आज 10 बजे कही और पूरे देश में फिर से लॉकडाउन उसी प्रकार से जारी रहेगी। नमस्कार, मैं रविकांत, देख रहे होंगे झकास भारत। और आज वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस भी है, जयंती भी है, कई जगहों पर अपने अपने ढंग और तरीकों से मनाया जा रहा है, सोशल साइटों से, और जो लोग जहां हैं उस प्रकार से इस संविधान के निर्माता का जन्मदिवस को मनाया जा रहा है। उसी बीच प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 बजे देश के नाम संबोधन करने वाले थे। जी हाँ, कोरोना वायरस में जिस प्रकार से बेतहाशा ढंग से मौतें हो रही है वह संख्या अब 1,21,000 के ऊपर पहुंच चुकी है और जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं वह 19.5 लाख के ऊपर जा चुकी है। अमेरिका इससे सबसे ज्यादा तबाह है, 23,000 से ज्यादा मौतें वहां पर हो चुकी है। इटली और स्पेन में भी उसी प्रकार आंकड़े हैं और 5 देश ऐसे हैं जहां पर 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और 15 देश ऐसे हैं जहां पर 1,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। भारत में वैसे यह आंकड़ा अभी 361 के पास है और भारत में अभी कोरोना वायरस से प्रभावित या कोरोना वायरस पॉजिटिव लोग अभी 11,000 से ज्यादा आंकड़े दिखाई दिए हैं, ये आंकड़े बढ़ते घटते रहेंगे। आज वैसे कई रूपों से जो आज मेन फोकस था प्रधानमंत्री के ऊपर था कि वो संबोधन में क्या करते हैं, लोग इंतजार कर रहे थे, जो लोग जहां पे फंसे हुए हैं, जो लोग जहां पर कमाने खाने गए हैं उस प्रकार से वो लोग अपने ढंग से अपने प्रधानमंत्री को सुने। उन्हें लगा कि 2-3 दिनों का मौका मिलेगा तो हम अपने घर जा पाएंगे, 2-3 दिन शायद देश में कुछ ऐसा हो और प्रधान सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाए, मगर फिलहाल नरेंद्र मोदी इस बात की गंभीरता को जानते हैं और जो बेतहाशा ढंग से यूरोप में इस प्रकार और तमाम संसार में फैला हुआ है, भारत में जो अभी काबू में है वह लॉकडाउन की वजह से है। कुछ लोगों का यह भी दावा है, कुछ विरोधी पार्टी और का और नेताओं का, कि अभी इतना कम जांच हुआ है इसी कारण से भारत में कम है, मगर कहीं ना कहीं भारत कोरोना पर नियंत्रण करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें लॉकडाउन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि लॉकडाउन अगर नहीं रहेगा तो लोग इधर से उधर ज्यादा होंगे और लोगों में संक्रमण की फिर तीसरे चौथे स्टेज में जब चला जाएगा तो फिर इस देश में बचाना बेतहाशा ढंग से मौतें होंगी और इसका जिम्मेदार हम सब होंगे। इसीलिए लॉकडाउन को प्रधानमंत्री ने गंभीरता से लिया और इसे 3 मई तक किया है। ये टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ाने का इसलिए भी एक नजरिया है प्रधानमंत्री का कि इससे लोग उबे नहीं और जो एक ही बार में इतना दिन अगर 2-3 महीने में कर देंगे तो बहुत सी चीजें डर जाएगी, व्यवस्थाएं और भी ज्यादा, लोग सड़क पे आ जाएंगे कि इतने दिन हम कैसे रहेंगे, भोजन का पानी का। वैसे कई रूपों में एनजीओ और सामाजिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है, कुछ जानकारियां कल शाम को भी प्राप्त हुई है, कुछ न्यूज चैनलों पर भी चलाया गया। कोटा में कुछ छात्र फंसे हुए हैं, 4,000 से ज्यादा बताया जाता है। वैसे बिहार की ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर के बनने वाले लोग जो कोटा जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा संख्या होती है, वहां पर मेसे बंद हो चुकी है, कोचिंग क्लासेज और से भी पहले ही बंद हो चुकी थी, तो उन लोगों को अब वहां से भी हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कुछ लोग पहुंच गए थे और कुछ लोग अब कैसे आएंगे यह भी एक देखने वाली बात होगी। आज वैसे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस है, उन्होंने कई प्रकार की बातें बताई थी और इस देश के वह पहले कानून एवं न्याय मंत्री रहे हैं, इस देश के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं और अस्पृश्यता पर उन्होंने कई प्रकार की बातें कही, किताबें पत्रकारिता से लेकर उन्होंने वकालत तक की और समाज सेवी, और जो सबसे बड़ी बात उनकी रही छुआछूत दूर भगाने के लिए, वह इस देश में हमेशा संघर्षरत रहे और लगभग बाल्यकाल से ही विदेशों तक उनकी पढ़ाई की, लॉ और राजनीतिक क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस प्रकार से बेतहाशा ढंग से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और इस बड़े बड़े नेताओं से उनके मतभेद उजागर होते हैं, नेहरू हो या महात्मा गांधी हो, इन जैसे लोगों के साथ मसौदा समिति के अध्यक्ष भी रहे, और जब वो कानून बनकर तैयार हुआ तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका सबसे ज्यादा रही और उनका नाम आज भी संविधान के निर्माता के रूप में लिया जाता है। और जो आरक्षण की बातें रही उस पर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुखर होकर लोगों के सामने कहे और जो भी छुआछूत और अगड़ी पिछड़ी जातियों में जो भेद और मतभेद थे उसको लेकर भी वह मुखर रहे और उन्होंने एक न केवल नेतृत्व किया बल्कि इस देश में एक प्रकार से एक बहुत बड़ा सामाजिक तबका का नेतृत्व के साथ उन्होंने इस देश में
एक बराबरी का माहौल लाने में उनकी सबसे ज्यादा भूमिका रही, और वो जिस प्रकार से वो कानून का निर्माण किए वो देश आज सभी मान रहा है और आगे भी मानने की बातें हैं हर प्रकार से, और चारों तरफ उनके जन्मदिन मनाने की खबरें आ रही है। भले ही यह लॉकडाउन हो मगर सोशल साइट आज इतना बढ़ चढ़ गया है कि वो रुक नहीं सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अलग अलग रूपों में याद किया जा रहा है, वो आरक्षण को लेकर भी इस देश में आए, मगर वो उनका वो दूसरा आइडियोलॉजी था, मगर आज के नेता उन्हें कुछ दूसरे तरीके से याद करते हैं, वह बातें अलग है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि कई लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की बातें, एक जो उनकी सबसे बड़ी बात रही कि अस्पृश्यता अगर पाप नहीं है तो फिर क्या पाप है, क्योंकि छुआछूत में वो ज्यादा फंस जाते हैं और उन्हें कई बार सरकारी कर्मचारी और तमाम चीजों में रहते हुए भी उन्हें इस प्रकार से नेग्लेक्ट किया गया जिसका उनके मनोस्थिति पर प्रभाव पड़ा और आगे जाकर वह बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। यह भी एक सबसे बड़ा कारण रहा कि एक इतना बड़ा नेता मौलवियों की तरफ से और ईसाई मिशनरियों की तरफ से भी दबाव था कि वह ये धर्म अपना ले ये धर्म अपना ले, मगर उनकी मर्जी बौद्ध धर्म की ओर झुकाव ज्यादा था शुरू से ही, या कह सकते हैं पिछले 5-10 वर्षों में, मरने के 5-10 वर्षों में उनका ज्यादा हो गया था, और वो जिस साल बौद्ध धर्म अपनाते हैं उसी साल उनका देहांत हो जाता है और महाराष्ट्र में जन्मते हैं, और इसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कहानी का समाप्त होता है। 1990 में उन्हें भारत रत्न मिलता है, फिलहाल कोरोना वायरस पर ये कर रहे थे, पर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस है, उन्हें बधाई शुभकामनाएं, उनके जयंती मनाने वाले को भी बधाई शुभकामनाएं। अभी के फिलहाल इतना ही, झकास भारत देखते रहिए, झकास भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अभी फिलहाल धन्यवाद।